दोस्तों, बैद्यनाथ धाम में हाल ही में एक चमत्कार हुआ है जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। कई भक्तों ने इसे भगवान शिव का दिव्य संकेत माना। इस घटना से मंदिर में भक्तों की संख्या भी बढ़ गई और लोगों का विश्वास भी और मजबूत हो गया। दोस्तों, इसके पीछे कई गहरे रहस्य भी हो सकते हैं। ये रहस्य इतने गहरे हैं कि आज तक इनका पता नहीं चल पाया। इसका जीता जागता उदाहरण है इलाहाबाद के रहने वाले हितेश जी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको इस दिलचस्प घटना के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। दोस्तों, इलाहाबाद के रहने वाले हितेश जी हमें बताते हैं कि ये घटना साल 2013 की है, जब हितेश जी अपने दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम दर्शन के लिए गए थे। हितेश जी बचपन से ही महादेव के परम भक्त थे। उन्हें महादेव की भक्ति करने में बड़ा आनंद आता था। जब भी उनके पास समय होता तो वो मन ही मन महादेव के भजन गुनगुनाते रहते थे। उनकी महादेव के प्रति ऐसी भक्ति देखकर लोग भी कहते थे कि हितेश जी, महादेव को इतना याद मत कीजिए, कहीं महादेव को स्वयं ना आना पड़ जाए। कई लोग तो उनकी इस आदत का मजाक उड़ाने लगते थे। एक बार हर साल की तरह हितेश अपने कुछ दोस्तों के साथ बैद्यनाथ धाम गए। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बैद्यनाथ धाम यानी कि बैद्यनाथ धाम मंदिर के पास शिव गंगा झील है, जहां भक्तगण बड़ी भक्ति भाव के साथ स्नान करते हैं। हितेश जी भी दोस्तों के साथ वहां स्नान करने पहुंचे। यहां पर कई हजारों की संख्या में लोग हर रोज की तरह इकट्ठा होते थे। उस दिन भी ऐसा ही नजारा था, हजारों की भीड़ वहां स्नान करने आई थी। ऐसे में मौसम का मिजाज बिगड़ गया और जोरों की बारिश होने लगी, लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। तब भी कई भक्त घाट पर स्नान करने के लिए खड़े थे। उनमें से एक हितेश भी थे। वो महादेव के परम भक्त थे और बिना स्नान किए घर वापस नहीं जाना चाहते थे। देखते ही देखते वहां पर बारिश अधिक हो गई और नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर आ गया। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को वहां से लोगों को हटाने के आदेश दिए गए। ये बात हितेश जी ने सुनी तो उन्होंने मन में ठान लिया, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यहाँ से वो बिना स्नान किए नहीं जाएंगे। इसके बाद जैसे ही सुरक्षा कर्मी लोगों को हटाने लगे तो हितेश तेजी से झील में कूद गए और डुबकियां लगाने लगे। तभी अचानक से झील का बहाव और भी ज्यादा बढ़ गया और हितेश जी का संतुलन गड़बड़ा गया। वो झील के साथ बहते हुए कुछ दूरी तक चले गए। उनको बहते देख लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और लोग चिल्लाने लगे। वहीं हितेश जी भी झील के उस तूफान को देखकर काफी ज्यादा घबरा गए और मन ही मन महादेव से विनती करने लगे कि हे महादेव, मुझे बचा लो। और मन ही मन हर हर महादेव, जय जय महादेव कहते हुए हितेश खुद को संभाल रहे थे। देखते ही देखते वो झील की गहराई में डूबने लगी। अचानक से एक सिक्योरिटी गार्ड उनकी जान बचाने के लिए आया और हितेश जी को अपनी पीठ पर बैठाकर तैरते हुए घाट के पास सही सलामत ले गया। जैसे ही हितेश को उसने किनारे पर छोड़ा तो कई सिक्योरिटी गार्ड और अन्य लोग वहां पर आ गए। फिर वहां मौजूद लोगों ने पूछा, आपको किसने बचाया है? जैसे ही हितेश जी ने उस सिक्योरिटी गार्ड को शुक्रिया करने के लिए उनकी तरफ देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने वहां मौजूद अन्य सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि आपकी टीम में से एक व्यक्ति ने मेरी जान बचाई है, क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? सब सिक्योरिटी गार्ड्स के इंचार्ज ने कहा कि हमारी टीम में कोई भी नदी के अंदर नहीं कूदा, हम लोग तो घाट के ऊपर से ही सभी को सेफ जगह पर पहुंचा रहे थे, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पुलिस वालों की बात सुनकर हितेश जी हैरान हो गए और सोचने लगे, आखिर वो कौन था जिसने मुझे झील की खतरनाक लहरों से बचाया? हितेश जी इसी बात को सोचते सोचते एक साधु के पास बैठ गए। हितेश को देखकर उस साधु ने पूछा, तो इतना परेशान क्यों है? तब हितेश जी ने उस साधु को बताया कि बाबा, मैं इस बात से परेशान हूँ कि मैं झील में स्नान कर रहा था और अचानक से झील में डूबने लगा, मेरी बेहोश होने वाली हालत थी। तभी वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड आता है और मुझे झील के किनारे छोड़कर गायब हो जाता है, बाबा पता नहीं वो कौन था। वहां मौजूद सभी भक्त जन मुझसे कहने लगे कि ये मेरा वहम है, मुझे लहरों ने झील के किनारे फेंक दिया था। ये
बात सुनकर वो साधु महाराज समझ गए कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं महादेव थे। तब उस साधु ने हितेश जी से कहा कि घर जाओ और महादेव का ध्यान करो, उनकी पूजा करो। महादेव की असीम कृपा तुम पर बनी हुई है, तेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। साधु की ये बात सुनकर हितेश जी अपने घर पहुंचे और महादेव का दिल से धन्यवाद किया और गरीबों और जरूरतमंदों को चीजें दान की। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। साथ ही आपको बता दें कि इस दुनिया में सुख और दुख दोनों का मिला जुला रूप चलता है। कोई इसे अपने सोच से सुखद बनाता है तो कोई इसे दुखद बनाता है। देखा जाए तो दोनों स्थितियां सिक्के के दो पहलू की तरह है। सिक्के को किसी भी तरफ रखा जाए उसकी कीमत नहीं घटती। इसी तरह जीवन को भी लेना चाहिए। हमारे आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव को बहुत ही सरल देवता के रूप में बताया गया है। लोक हित के लिए समुद्र मंथन के वक्त वो खुद आगे बढ़कर विष पीते हैं। जब व्यक्ति आसानी से जहर को आत्मसात करता है तो उसे किसी चीज का डर नहीं होता, और जब कोई उलट स्थिति को सच में जहर मान लेता है तो वो परेशान हो जाता है। उलट स्थिति प्राय असफलता और धोखे से होती है। यदि कोई हमसे धोखा करे और उसे जहर की तरह पीने की स्थिति बन जाए तब उस जहर को भगवान शंकर की तरह कंठ में ही रोक लेना चाहिए। अगर हमने जहर को हृदय में उतारा तो हमारा दिल अशुद्ध हो जाएगा, बदला लेने का भाव हमारे अंदर पैदा हो जाएगा। इसी तरह उस जहर को अपने दिमाग की तरफ भी नहीं लेकर जाना चाहिए, इससे हमारा गुस्सा हमारा अवसाद और भी बढ़ जाएगा। भगवान शंकर इन्हीं कारणों से उसे कंठ में धारण करते हैं। इतने बड़े त्याग के बावजूद भगवान शंकर कुछ भी नहीं है, तो दोस्तों सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसका मतलब है कि जीवन में जो भी प्राप्त हो रहा है वो आपके प्रयासों का ही आपको फल मिलता है। इससे संतुष्ट होने की आदत आपको डालनी चाहिए, ना कि लालच करना चाहिए। देवों के देव शिव का हाथ किसी पर भी हो जाए तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुद मृत्यु के देवता यमराज भी उसका कुछ नहीं कर सकते। और ठीक ऐसा ही एक वाक्य यहाँ बिहार राज्य के रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला, जहाँ मात्र 20 दिन की बच्ची की जान बचाने स्वयं नाग देवता चले आए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, लगभग शाम को 8 बजे एक महिला ने अपनी 20 दिन की बच्ची को रेल की पटरी पर फेंक दिया। ऐसा करके वो औरत वहां से चली गई, लेकिन रेलवे स्टेशन पर मौजूद लोगों ने उस महिला पर गौर नहीं किया। जब ट्रेन के स्टेशन पर आने का समय हो गया, अचानक से उस बच्चे के पास एक बड़ा सा सांप आया और वो वहीं पर कुंडली मारकर बैठ गया, मानो जैसे नाग देवता शिवलिंग पर बैठ गए हों। वहां मौजूद कुछ लोगों की नजर उस सांप पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने लकड़ी से सांप को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सांप वहां से नहीं हटा। कुछ लोगों ने जल्दी से जाकर रेलवे के जो अधिकारी होते हैं उनसे बात की। अब ट्रेन के आने में कुछ ही वक्त बचा था और रेलवे का जो अधिकारी था वो अनजान था कि सांप के पास बच्ची भी है। तभी वहां पर एक महादेव का भक्त आया और सांप को देखते ही समझ गया वो कोई साधारण सांप नहीं था, वो तो स्वयं नाग देवता थे। दोस्तों, वो भक्त नाग के पास जाता है और दंडवत प्रणाम करता है, पूरी श्रद्धा से सच्चे मन से जय नाग देवता कहता है। कुछ ही देर में वो नाग रेंगते रेंगते रेलवे ट्रैक से बाहर चला जाता है। जब तक दूसरी ट्रेन रेलवे ट्रैक पर आती तब तक उस व्यक्ति ने उस 20 दिन की बच्ची को वहां से तुरंत उठाकर अपनी गोद में ले लिया। दोस्तों, ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए और वहां के एक अधिकारी ने उस बच्ची का पूरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ले ली। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।